एक बार की बात है, रायगढ़ नामक रियासत में राजा भैरव सिंह रहा करते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम अलका था। राजकुमारी अलका बहुत ही चालाक और घमंडी स्वभाव की थी। उनके राजमोची की बेटी सीमा बहुत ही दयावान और नेक थी। एक दिन जब वह घर का काम कर रही थी, तभी उसे एक सांप ने काट लिया। तभी उसके पिताजी ने वैद्य को बुलाया। सांप का जहर खून में चला गया है, बस किसी चमत्कार से ही ये ठीक हो सकती है। सब उसे ठीक करने की आशा छोड़ देते हैं। महल की राजकुमारी अलका सीमा की हम उम्र की ही थी, लेकिन वह सीमा का बहुत मजाक उड़ाती और उसे लंगड़ी कहकर बुलाती थी। राजा की बेटी होने के कारण कोई उसको कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन जब वह सब खेल रही थी, चलो हम दौड़ का मुकाबला करते हैं, जो प्रथम आएगा उसे मैं अपनी नई सोने की जूतियाँ दूंगी। उसकी बात सुनकर सभी सहेलियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। सीमा अपने पैरों की खराबी के कारण कभी ऐसे खेलों में भाग नहीं ले पाती थी। क्यों लंगड़ी, तू नहीं खेलेगी? देख ले, तुझे सोने की जूतियाँ नहीं चाहिए। राजकुमारी की जूतियाँ पाने के लालच में सीमा भी दौड़ के लिए तैयार हो गयी। राजकुमारी की जूतियाँ तो सोने से बनी है, ऐसी जूतियाँ तो मैं सपने में भी नहीं पा सकती। मैं जी जान से मुकाबला जीतने की कोशिश करूंगी और इन जूतियों को जीत लूंगी। सीमा तेजी से भागने लगी, तभी अलका ने उसके पैरों पर अपनी टांग अड़ा दी, जिससे वह गिर गई। बड़ी आई जीतने वाली लंगड़ी कहीं की। ये जूतियाँ अब मेरी ही रहेंगी। मोची की लंगड़ी बेटी होने के बाद भी तू सोने चांदी की जूतियाँ पहनने का सपना देखती है, मानना पड़ेगा भाई। क्यों सहेलियों? दूसरी सहेलियाँ सीमा को उठाने में मदद करने लगी। उदास सीमा अपने घर वापस चली गई और अपने बापू के काम में मदद करने लगी। सीमा बेटी, वो सोने की चादर तो उठाना, राजा के यहाँ से राजकुमारी के लिए सोने की जूतियाँ बनाने का आदेश आया है। बापू, राजकुमारी सबको अपनी सखी कहती है, पर मुझे लंगड़ी, क्या मैं उनकी सखी कभी नहीं बनूंगी? ऐसा नहीं है बेटी, तू तो दिल से राजकुमारी ही है, तुझे देखने के लिए सच्ची आंखों की जरूरत है। मेरे लिए भी सोने की जूतियाँ बनाओ ना पिताजी, क्या मैं कभी सोने की जूतियाँ नहीं पहनूंगी? बेटी, तेरा पिता गरीब है, पर तू चिंता ना कर, भगवान ने अगर तेरी किस्मत में लिखा होगा तो तुझे सोने की जूतियाँ जरूर मिलेंगी, और वो भी मैं ही बनाऊंगा। धीरे धीरे इस बात को काफी दिन बीत गए। दिन सालों में सीमा समय के साथ बड़ी होती जा रही थी। एक बार रायगढ़ रियासत के महाराज राजा विक्रम और उनका पुत्र राजकुमार प्रताप सिंह महाराज भैरव सिंह से मिलने आते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। अरे वाह भैरव, कैसे हो मित्र? मैं तो ठीक हूँ मित्र, और हमारे राजकुमार तो काफी बड़े हो गए हैं, काफी किस्से सुने हैं तुम्हारी वीरता के, हमें बहुत खुशी है। इसी तरह अपने पिताजी का नाम रोशन करो। जी महाराज। अब सारी बातें यहीं करोगे या अंदर भी बुलाओगे? माफ करना मित्र, आओ ना अंदर आओ। इसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। तभी राजकुमार को कहीं से लड़कियों की हंसने की आवाज आती है, वो उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। तभी उन्हें सब खेलते हुए दिखाई देती हैं। लेकिन सीमा चुपचाप बैठकर एक घायल कबूतर को दाना खिला रही होती है। अरे तुम उन लड़कियों के साथ खेलती क्यों नहीं, इस घायल कबूतर के साथ क्यों समय बिता रही हो? ये परिंदा अपना दर्द किसी से नहीं कह सकता, मुझे इसका दर्द दूर किए बिना चैन नहीं मिलेगा। ये सुनकर राजकुमार सीमा को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन तभी राजकुमारी अलका राजकुमार प्रताप के पास आकर उनसे उनका परिचय मांगती है। आप कौन हैं? मैं रायगढ़ रियासत का राजकुमार प्रताप सिंह हूँ। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई, राज्य घूमना चाहेंगे हमारे साथ? अगर आप चाहती हो तो क्यों नहीं। ठीक है, हम कल आपको राज्य भ्रमण पर ले चलेंगे। ठीक है, कल पिताजी को भी सूचित कर दूंगा, उन्हें भी आपका राज्य देखने की बहुत इच्छा थी। यहाँ आने से पूर्व वो यही बात कर रहे थे कि समय मिला तो वो जरूर नगर भ्रमण पर निकलेंगे।
हमने सुना है आपके राज्य में अद्भुत नदियाँ और हिरने हैं। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। सीमा कबूतर को हाथ में लिए आगे बढ़ जाती है। अगले दिन महाराज विक्रम सिंह और राजकुमार अलका के साथ राज्य में घूमने निकलते हैं। तभी गांव के बच्चे अलका को देख उत्साहित होकर उसके पास आ जाते हैं। इतनी हिम्मत कि हमारी कीमती पोशाक को तुमने छुआ? बदतमीज, सैनिकों 10 कोड़े लगाओ इसे, और बाकी तुम याद रखो सभी, जब तक हमारी सवारी निकल ना जाए घुटनों के बल बैठ जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? राजकुमारी के आगे जाते ही सीमा लंगड़ाते हुए वापस आती है। कैसे हो भाई, लो ये पानी पियो। लाओ तुम्हें हल्दी का लेप लगा देती हूँ, जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारा क्या नाम है? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? मैं एक राजकुमार हूँ। देखिए, मेरी शादी का फैसला सिर्फ मेरे पिताजी ही लेंगे, ये मेरा विषय नहीं। वैसे भी आप जान लें कि मैं बचपन से विकलांग हूँ। ये कितनी सच्ची और दयालु है, मेरी पत्नी को ऐसा ही होना चाहिए। पिताजी, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं करता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की तुम्हारी जीवन संगनी बन सकती है, तो मैं कल ही इसके यहाँ रिश्ता भिजवा दूंगा। दूसरी तरफ अलका महाराज विक्रम सिंह की बातें सुन ली। यह बात सुनकर राजकुमारी अलका को बहुत बुरा लगा। महल वापस आने पर वह बोली, राजकुमार, शायद आपको पता नहीं, सीमा लंगड़ी है। उसका एक पैर बड़ा और एक पैर छोटा है, जो साधारण रूप से चल भी नहीं सकती। जिंदगी की दौड़ में आपका साथ कैसे दे पाएगी? शारीरिक कमी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजकुमारी, आत्मा की सुंदरता ही सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मैं इसके साथ कदम से कदम मिलकर चलूंगा। राजकुमार, क्या मैं आपके योग्य नहीं? क्या वो साधारण लड़की मुझसे ज्यादा रूपवान है? देखो राजकुमारी, अपनी जीवन संगिनी के अंदर कई तरह के विशेषताएं देखना चाहता हूँ। मेरे लिए शारीरिक सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। अगर ऐसा है तो आपको उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, कोई ऐसा मुकाबला कराना चाहिए जिससे उसकी असली विशेषता का पता चले। हाँ, तुम्हारी बात तो ठीक है, तुम ही बताओ हमें किस चीज का मुकाबला करवाना चाहिए कि हम जान सके उस लड़की में कितनी हिम्मत और वो सुख दुख का बोझ किस हद तक उठा सकती है। ठीक है राजकुमार, हम लंगड़ी टांग की प्रतियोगिता करवाएंगे। सीमा का एक पैर खराब है, इसके बावजूद अगर वो प्रतियोगिता में भाग लेने को तैयार हो जाती है और जीत भी जाती है, इसका मतलब कि वो रानी बनने के योग्य है। लेकिन बदले में अगर वह न जीती तो आपको मुझसे विवाह करना होगा। मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना होगा। अगर तुम जीत गई तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगा। अलका मन ही मन सोचती है, लंगड़ी टांग प्रतियोगिता का मुकाबला कराना ठीक रहेगा। सीमा की एक टांग तो खराब है, वह इस मुकाबले में कभी भी जीत नहीं पाएगा। मेरा विवाह तो राजकुमार से ही होगा। सुबह होते ही अलका महाराज को इस बात की सूचना देती है। पिताजी, राजकुमार प्रताप सिंह विवाह के लिए लंगड़ी टांग प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं। यदि सीमा इसमें जीत गई तो वो उससे विवाह कर लेंगे, वरना मेरी जीत तो पक्की है, मैं ही बनूंगी उनकी अर्धांगनी। महाराज उसकी बात सुनकर मान जाते हैं, पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, कल शाम शाही मैदान में लंगड़ी टांग प्रतियोगिता की प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता में गांव की हर लड़की को भाग लेना जरूरी है। जो लड़की इस प्रतियोगिता में जीतेगी उसे सोने की बनाई हुई जूतियां इनाम में दी जाएंगी और राजकुमार उसके साथ विवाह कर लेंगे। सीमा सोचती है इस प्रतियोगिता में वह नहीं जीत पाएगी, इस प्रतियोगिता में जाना बेकार है। बेटी, तैयारी कर लो, तुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही है। तू कहती थी ना तुझे मेरे बनाए हुए सोने के जूते पहनने हैं, मेरा मन कहता है अब ये जूते तुझे ही मिलेंगे। नहीं पिताजी, मैं नहीं जीत पाऊंगी, सभी लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मैं झूठे सपने नहीं देखती, मैं इसमें भाग नहीं लूंगी। पिता के बार बार समझाने पर सीमा प्रतियोगिता में भाग लेने जाती है। अलका भी प्रतियोगिता के लिए तैयार होने लगती है। वह जैसे ही जूते पैर में डालती है, उफ,
इसे पहनकर दौड़ना तो नामुमकिन है। तभी सीमा वहाँ पर आती है। उसे देख अलका के मन में एक षड्यंत्र आता है और वह कहती है, सीमा अरे पगली, तुम तो नंगे पैर आई हो, बड़े बड़े घरों की लड़कियाँ तुम्हारा मजाक बनाएंगी, लेकिन चिंता मत करो, तुम मेरी ये पुरानी जूती पहनकर इस प्रतियोगिता में भाग लेना, आखिर तुम मेरी सहेली हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अलका सीमा को अपनी टूटी हुई जूती दे देती है जिसके अंदर कीले निकली हुई थी। भोली भाली सीमा अलका की जूती पहनकर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी कितनी अच्छी है, कितना ख्याल रखती है, दौड़ के समय मेरे पैर में दर्द ना हो इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जूती दे दी, मैं बेकार ही उन्हें गलत समझती थी। महाराज सभी लड़कियों को दौड़ शुरू करने का इशारा करते हैं। आप सभी को अपनी एक टांग से इस दौड़ को पूरा करना है, अब आप दौड़ शुरू करें। सभी लड़कियां दौड़ना शुरू कर देती हैं। दौड़ती हुई सीमा के पैरों में जूती में निकली कीले चुभने लगती हैं। ओह माँ, असहनीय दर्द हो रहा है, पैर खराब होने के कारण मेरे जीवन में तो कोई खुशी नहीं है, लेकिन मैं जीत कर अपने पिताजी को खुश जरूर करूंगी। वो अपने पिताजी की इच्छा पूरी करने के लिए दौड़ती रहती है। उसकी आंखों में आंसू और पैर से खून निकलने लगता है, लेकिन वह अपनी गति कम नहीं करती। ये सीमा सबसे आगे दौड़ रही है, लेकिन बस कुछ ही देर में सबसे पीछे नजर आएगी। अभी जूती अपना कमाल दिखाना शुरू करेगी। अलका मन ही मन पूरी तरह से निश्चिंत होती हुई धीरे धीरे दौड़ते हुए चलती है। उसकी नजर सीमा के पैर पर पड़ती है और वह हैरान हो जाती है कि जूती के बाहर काला काला खून बह रहा होता है, लेकिन सीमा की गति पहले से भी तेज हो गई होती है। ये क्या हो रहा है, ये सीमा क्या ही प्रतियोगिता जीत जाएगी, क्या इसका विवाह प्रताप सिंह से हो जाएगा, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, बाकी लड़कियां भी रुक गई हैं, आखिर ये सीमा क्यों नहीं रुक रही। आखिरकार सीमा प्रतियोगिता जीत जाती है और जब उससे पूछा जाता है कि वह यह प्रतियोगिता कैसे जीती और विकलांग होने के बाद भी उसके दौड़ की गति इतनी तेज कैसे थी, तो वो कहती है, मैं सभी को बताना चाहती हूँ, मेरी जीत का कारण है राजकुमारी अलका, यदि उन्होंने अपनी कीलों वाली जूती मुझे नहीं दी होती तो मुझे दर्द नहीं होता, इस दर्द के कारण मैं जल्दी से जल्दी इस प्रतियोगिता को पूरा कर लेना चाहती थी। अलका शर्मिंदा होकर अपना सर झुका लेती है और राजकुमार प्रताप सिंह, सीमा इस लंगड़ी टांग प्रतियोगिता के जीत के इनाम सोने की जूतियों के साथ मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें कोई एतराज है? राजकुमार मैं एक साधारण लड़की होने के साथ साथ विकलांग भी हूँ, आपके लिए उपयुक्त जोड़ राजकुमारी अलका ही है। अरे बेटी, तुम तो बिल्कुल सामान्य तरीके से खड़ी हो, ये तो चमत्कार है, मेरी सीमा ठीक हो गई है। सीमा अपनी टांग देखने के लिए जूती उतारती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी टांग बिल्कुल सामान्य हो गई थी। कीलों के लगातार चुभते रहने से सांप का पुराना जहर उसके खून के साथ बाहर निकल गया था। राजकुमारी तुमने तो मेरी जिंदगी बदल दी, अगर तुम नहीं होती तो मेरी टांग ठीक नहीं होती। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, मेरा दिल कह रहा था ये सोने की जूतियाँ अब तू ही पहनेगी, जा बेटी राज कर, अब तू जीवन की हर दौड़ में हमेशा जीतते रहेगी। अलका मन ही मन शर्मिंदा होती गई। सीमा, राजकुमार का सही जोड़ तुम ही हो, तुम्हारे आगे आज खुद को मैं बहुत छोटा महसूस कर रही हूँ, मैंने जानकर तुम्हें टूटी जूतियाँ दी थी ताकि तुम हार जाओ, मुझे माफ कर दो सखी। राजकुमारी ने सीमा को गले से लगा लिया और सीमा की शादी राजकुमार के साथ हो जाती है, जिससे राजकुमार उसे अपने हाथों से सोने की जूतियाँ पहनाता है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।